सो क्या हाल है गाइस। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं ये माइक मंगवा लूँगा, माइक अडॉप्टर, तो इसको मैंने ऑर्डर कर दिया था। एक दो दिन डिले था, आ चुका है। तो एक्चुअली देखो, जो इसका ओरिजिनल था ना, डीजे का जो साइनोवा ओरिजिनल था, वो था, इसका प्राइस 4000 था। एंड इसका देखो यहाँ पे जो MRP लिखा है, आप देख पा रहे हो 3000 लिखा है आई थिंक यहाँ पे, बट ये मुझे पड़ा अराउंड 2100 का। ठीक है, अमेजोन से मंगवाया है। इसकी जो कंपनी लिखी है उन्होंने आइड्स साइनोवा लिखा है, DJI नहीं, आइड साइनोवा। बट इसके रिव्यूज़ पढ़े थे मैंने, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने इसलिए ले लिया इसको। ठीक है, तो इसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है हमें आज बॉक्स में इसके। तो ओके, एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स, इसमें ऑस्मो एक्शन बना हुआ है, आई थिंक स्पेशली ये ऑस्मो एक्शन के लिए ही है। ओके, ये भी ठीक है। तो खैर, इसको बाद का अनबॉक्स करते हैं। और ये क्या निकला, ये तो जो कॉमन चीज़ है जो हर बार हर चीज़ के साथ मिलती है, जिसे कहते हैं यूज़र मैनुअल। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, मैं नहीं पड़ेगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रखता हूँ साइड में। और एक चीज़ और थी, नहीं यही था। तो अब आता है हमारा मेन चीज़, ये है हमारा अडॉप्टर। अब देखो, इतना बड़ा बॉक्स, इतना मतलब इसके कंपैरिजन में तो बड़ा बॉक्स है। और ये है अपना छोटा सा अडॉप्टर जो कि सारी विंड नॉइस भगा देगा। तो इसे मैं खोल लेता हूँ जरा, तो देख सकते हो छोटा सा है। आई थिंक यहाँ पे जो जितना मुझे याद, देखो यहाँ पे आपका माइक लगेगा, एंड यहाँ पे आप एक तरफ से इसको कैमरा में अटैच करोगे, एंड जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें आई थिंक ऐसा है कि यहाँ से आप मेमोरी कार्ड को डायरेक्ट कनेक्ट करके ना किसी केबल से, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो डायरेक्ट कैमरा से। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेमोरी कार्ड निकालो देन ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको कैमरा में लगाने के लिए, आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। तो जैसे अभी आपको दिखाया मैंने इसकी अनबॉक्सिंग, तो अब इसको मैं करने वाला हूँ अपने DJI Osmo में कनेक्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस है मेरा, कोई मैंने कुछ नहीं लिया नया। और अब इसको कनेक्ट करेंगे, करना कैसे है देखो, सिंपल है। आपका जो ये वाला पार्ट है ना, जहाँ से इसको ओपन करते हो, जहाँ से आपका मेमोरी कार्ड अटैच होता है, इसको ओपन करना है, जहाँ पे आपको ये सब होता है। ठीक है, चार्जर, सो इसको आपको निकाल देना है। निकालना कैसे, इसको पुल करना है बेसिकली। आप पुल करोगे थोड़ा ऊपर करके, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टूट गया, आप इसको दोबारा अटैच कर सकते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया बेनिफिट, निकालो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़, ये आता है आपका अडॉप्टर, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है बस। और ये मैंने लगा दिया, अब देखो ऑस्मो एक्शन का लुक क्या बदल गया एकदम, समझ रहे हो ना बात को। अब इसका देखो टेस्ट, इसका टेस्ट भी करना है मुझे आज, अभी टेस्ट करूंगा इसका, आपको टेस्ट भी दिखाऊंगा इसके बाद। तो देखो ऐसा कुछ फंक्शन में कुछ चेंज नहीं आएगा गाइस, अब करेंगे माइक की टेस्टिंग। तो देखो माइक मेरे पास जो अवेलेबल है वो है मेरा कॉलर माइक, ये मैं PC में यूज़ करता हूँ मोस्टली, अपना मतलब टेम्प्ररी है। तो देखो सीन के साथ में एक ऑडियो स्प्लिटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिकली हेडफोन और माइक के लिए अलग अलग। तो और अगर आप नॉर्मल लगाओगे ना तो नॉर्मल नहीं वर्क कर रहा है, मैं इसलिए ऑडियो स्प्लिटर वर्क कर रहा हूँ। 200 रुपये का माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये काफ़ी टाइम हो गया, मैं एक्चुअली PC में करता हूँ, तो इसलिए मैंने ऑडियो स्पीकर ले रखा है। अब मैं देखो माइक वाले पार्ट से कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरी आवाज़ कैच कर लेगा, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ कैमरा ऑन, सबसे पहली चीज़ आपको दिखाता हूँ आवाज़ कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देख सकते हो, अगर आपको विजिबल है यहाँ पे, ये माइक का साइन आ रहा होगा बैटरी के मिड में। ठीक है, अब देखो कुछ भी बोलूँगा आवाज़ कैच कर रहा है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, आवाज़ कैच कर रहा है, आपको रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ एक बार, सपोज कुछ भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, हेलो 1 2 3, दिस इज स्प्रिंग्स एंड थ्रॉटल, वेलकम टू द चैनल गाइस, सब्सक्राइब कर देना। आवाज़ देखो मेरी रिकॉर्ड हो गई होगी, तो बस सुनते हैं अगर आपको आवाज़ आ रही है, पता नहीं। ये है डिफ़ॉल्ट स्पीकर की आवाज़। ठीक है, अभी आपको इसके बाद असली जो आवाज़ सुनानी है ना, वो है मेन, तो बाइक पे जब हवा मुंह पे पड़ती है ना, मेन वो है मेरा फोकस, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो आगे नेक्स्ट में देखो, तो ये है मेरा नया माइक और ये मैं जा रहा हूँ टेस्ट करने, देसी आउटफिट में, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रात हो रही है, ठंड भी हो रही है, जैकेट बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं बाइक पे अपनी। सो गाइस, ये है मेरा नया माइक, आपको आवाज़ कैसी आ रही है ये मैं भी नहीं जानता अभी। ठीक है, टेस्टिंग कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट करते हैं।
थोड़ा सर्जी है यार, तो बाइक मेरी स्टार्ट नहीं हो रही आजकल एक बार में, सर्विस भी करानी है, तो चलते हैं। ठीक है, आज देखते हैं कि विंड नॉइज जीतता है या मेरी आवाज़ जीतती है। तो चलिए गाइस, जरा एक छोटा चक्कर लगा के आ रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर में जाना नहीं चाहता क्योंकि ठंड है यार। हर बंदा ना सिर्फ घर बैठा है और मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको आवाज़ जैसी भी आ रही है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे एक अभी भी डाउट है कि मेरा ना बिल्कुल ही मुँह पे लगा हुआ है, मेरे मुँह पे लगा हुआ है माइक, तो मुझे मे बी थोड़ा लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो इसमें, कोई ना ट्राई करते हैं एक बार, बस एक चक्कर और घर की तरफ। बाद में देखो, जो माइक यूज़ कर रहा हूँ 200 रुपये का माइक है मेरा, जो मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी में। ठीक है, देखते हैं कैसा है। देखो मेरे हिसाब से तो रिस्पांस अच्छा ही आना चाहिए यार, बाकी आप लोग है बताने के लिए। थोड़ा थोड़ा सेटअप और करना है मुझे इसको प्रॉपर अपने हेलमेट के अंदर, देन एकदम मौज आ जाएगी गाइस, मौज जैसे बोलते हैं ना, मौज, वो वाली मौज आने वाली है। तो आई थिंक इतना बहुत है, यहीं से अपन देगा यू टर्न, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता मैं, बस छोटा सा एक राउंड लेना था मुझे, छोटा सा। मैंने कितने 20-30 रुपये का पेट्रोल फूक दिया होगा, बस इतना ही करना था मुझे। अब मैंने देखो 2100 रुपये का माइक जहाँ मंगवाया है वहाँ उसको टेस्ट करने के लिए 20 रुपये का पेट्रोल नहीं फूक सकता क्या? बिल्कुल फूक सकते हैं, पेट्रोल दोबारा डलवा लेंगे भाई। तो गाइस, बाइक की आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको, मतलब मुझे पूरा आप बताना कि जो सराउंडिंग्स है उसकी आवाज़ कैसी है, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, सब कुछ चाहिए मुझे आपसे रिस्पांस, ताकि मैं थोड़ा सा उसको सेटअप कर सकूं उसके अकॉर्डिंग। सो स्कॉर्पियो वाला मेरे आगे चल रहा है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, गली है। आइए, इस बाइक को है जल्दी, ये बजा रहा है हॉर्न। एक बार थोड़ा रेस देने का मौका दे दो यार, थोड़ा ब्रेक मारते रखो, एकदम से थ्रॉटल दूंगा थोड़ा ना, मुझे टेस्ट करना है क्योंकि कि हवा आती है कि नहीं आती। 1 2 चलो चलते हैं, थोड़ी तो हवा ही जानी चाहिए इसमें। आई क्या हवा या नहीं आई? अब बताओ, आप घर पहुंच गए तो हम स्कॉर्पियो वाले से आगे आ रहे हैं, क्या फायदा हुआ इसका? और ये मैं आगे घर, तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे, रिस्पांस आप दे दोगे मुझे जैसा होगा यार। रो बाइक के अंदर लगाई दू जरा मैं, अरे वो जस्ट हट, ओ भाई, ओके सो डन, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।